हेलो दोस्तों, एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं मैं एक बजाज ऑटो में हूं, जो मैं पहले ये ऑटो को चलाता था दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये ऑटो मैं कितने साल से चलाता था और ये ऑटो कैसा है दिखने में। आप भी वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए दोस्तों। ये जो ऑटो है ये 2009 मॉडल का है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बजाज का ऑटो है जो 2009 मॉडल का है। देखिए दोस्तों इसके सीटें वगैरह कुछ इस तरह से हैं। तकरीबन ये 13-14 साल या 15 साल के आसपास का ऑटो है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट की सीट है। दोस्तों ये ऑटो को मैंने तकरीबन 13 या 14 साल तक चलाया हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑटो किस तरह से है। चलिए दोस्तों ज़रा इसके बैक साइड चलते हैं, आपको इसका दिखाता हूँ इसका। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसका इंजन है, इसके अंदर साइड आप क्या क्या है आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक किट है जो मोनी की है, इसको LPG किट बोलते हैं दोस्तों। जो LPG गैस होता है ये CNG की नहीं है, ये LPG है दोस्तों। और ये इसकी सेटिंग है जो एवरेज वगैरह इसका सेट करते हैं। ये ऊपर की जो है इसकी किट की एक और सेटिंग है जो एयर सेटिंग बोलते हैं। ये जो इसकी बाजू एक दिखाई दे रही है ये रेगुलेटर किट है दोस्तों, जो प्रेशर को मेंटेन करती है LPG के, जो LPG गैस होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका फ्यूल का सिस्टम है। ये बैटरी है जो 12 वोल्ट की आती है। और इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से है दोस्तों, ओल्ड मॉडल है बिल्कुल ये। और ये इसका एयर किनर जो एयर फिल्टर वगैरह करते हैं, आप देख सकते हैं इसको, इसको एयर किनर बोलते हैं दोस्तों। और ये इसका ऑयल का डिब्बा है जो इसके LPG को ऑयल भी लगता है दोस्तों, अलग से सेपरेट ऑयल डालना पड़ता है इसको, जो इस डब्बे में रहता है। इस डब्बे से होते हुए दोस्तों इसका ऑयल, इसके जो ऑयल कार्बोरेटर है उसमें जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक जो इसका मेन पेट्रोल का कार्बोरेटर है उसके जो बाजू में दिखाई दे रहा है आपको, दो पाइप जुड़े हैं, आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये इसका ऑयल कार्बोरेटर है दोस्तों, इसमें ऑयल एंट्री होता है। फिर यहाँ से होते हुए जो दूसरा वाला कार्बोरेटर जो पेट्रोल का पहले आता था उससे होते हुए ये इंजन की तरफ जाता है दोस्तों ऑयल। इसको ऑयल ज़रूरी है दोस्तों, ऑयल अलग से डालना पड़ता है इसमें, ये पेट्रोल की तरह नहीं है। पेट्रोल में जिस तरह पहले की गाड़ियों में ऑयल डालते थे उस तरह इसको भी LPG को ऑयल लगता है सेपरेट। और जो ये ऑटो है ये 2 स्ट्रोक है दोस्तों बजाज का, ये 4 स्ट्रोक नहीं है। इसके बारे में आपको आगे और जानकारी दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से मॉडल है, शो है गाड़ी का। इसका हैंडल देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है सिस्टम, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 4 गियर होते हैं। ये इसका जो दिखाई दे रहा है आपको डॉट, ये न्यूट्रल है यहाँ पर, और ऊपर 1st गियर होता है दोस्तों, और 2nd, 3rd, 4th नीचे साइड होते हैं दोस्तों इसके। आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल है, इसका क्लच लीवर, और ये स्पीडोमीटर जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम 80 की थी। और इसका ये वाइपर का बटन है दोस्तों जो अभी काम नहीं कर रहा है, इसको हैंड का बिठाया मैंने। ये हॉर्न है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर का है, और ये अपर डिपर जो हेडलाइट की होती है दोस्तों। और इसके जो ब्रेक का सिस्टम है कुछ इस तरह है दोस्तों, जो ब्रेक ऑयल डब्बी होती है, इसका ब्रेक एकदम ओल्ड मॉडल है आप देख सकते हैं। और इसकी टैंक दिखाता हूँ दोस्तों, आप देखिए, ये देखिए दोस्तों ये जो LPG की टैंक है, इसमें जो गैस होता है कितने पॉइंट है, कितने ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे पता चल जाता है कि इसमें अभी कितना गैस है। जो LPG फ्यूल होता है, इसको CNG नहीं है दोस्तों, ये LPG है,
पहले ये जो स्टार्टिंग आई थी दोस्तों, ये ऑटो जो कंपनी से आई थी ये पेट्रोल पे ही थी। आप देख सकते हैं ये इसका एलपीजी रिफिल का जो ये होता है नोजल बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, यहीं से एलपीजी बाहर आ जाता है। जो एलपीजी पंप होते हैं उसमें, इस टैंक में जो भी रिफिल है उसमें जमा होता है दोस्तों। और इसका दोस्तों देख सकते हैं आप, ये किक स्टार्ट है, इस पर सेल्फ वगैरह नहीं है। शायद आपने बहुत दिनों बाद ये ऑटो देखा होगा, देख सकते हैं आपके पास भी हैं या नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ये अभी भी किक से स्टार्ट होता है दोस्तों, इसको सेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं है। इसकी सीटें वगैरह भी फट चुकी थी दोस्तों, हाल ही में मैंने डाला है कवर इसके ऊपर का, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना ऑटो है दोस्तों। अभी भी ये चल रहा है दोस्तों, एक हमारे दोस्त अभी भी इसको चला रहे हैं। ये कुछ अंदर से इस तरह है, आप देख सकते हैं इसको जो वाइपर बिठाया मैंने वो हाथ से घुमाने के लिए काम में आता है दोस्तों। इसका मोटर वगैरह खराब हो चुकी है। ये इसकी डिक्की है दोस्तों, जो पीछे का बैक साइड स्पेस है, यहाँ पर कुछ लगेज वगैरह रख सकते हैं, पीछे लगेज रखने के लिए जगह अच्छी है दोस्तों। दोस्तों ये जो ऑटो है ये तकरीबन 13-14 साल चलाया है मैंने, जो काफ़ी बढ़िया चलता है दोस्तों। और जो ये एलपीजी से चलता है, पहले पेट्रोल पे चलाता था, फिर तकरीबन आप ये देख सकते हैं इसका बोर होता है दोस्तों। इसके अंदर सिंगल पिस्टन लगा हुआ है दोस्तों, जो एलपीजी से चलता है, और इसको सेपरेट ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। और जो एयर किनारा है ये इसके साइड में रहता है, उसके ऊपर एक लबर लगाना पड़ता है दोस्तों, ताकि इसका एवरेज वगैरह मेंटेन कर सकें, सेटिंग वगैरह कर सकें दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका नीचे साइड इंजन कुछ इस तरह से है, इसका एक्सल वगैरह बूट, हम बूट बोलते हैं दोस्तों इसको, एक्सल बूट, जो एक्सल के ऊपर जो कप होता है उसका कवर होता है दोस्तों, इसके अंदर ग्रीस वगैरह भरते हैं दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी बताइए, अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह से नई जानकारी भरी वीडियो लाता रहूँगा, और इसको और एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना एवरेज देता है, कितना माइलेज देता है, और इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम चलाते हैं इस ऑटो को, कितना इसका माइलेज है वो सब दिखाऊँगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज की वीडियो यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों।